करिए हम उस एरिया में गए और ट्राइबल्स से मिले, तो ट्राइबल्स बहुत सीधे इंसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुनियादारी पता नहीं होती है। और उसके बावजूद बाबा की जर्नी वहाँ से यहाँ पहुँचना, और वो भी पिताजी का साया 14 साल में हटने के बाद, तो ये बहुत प्रेरणादायक फिल्म है। और मैं चाहती हूँ कि लोग इस फिल्म को देखें और समझें कि मेहनत और हिम्मत वो ही एक चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाती है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, संस्कार बहुत ज़रूरी है। संस्कार इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। बड़ा प्रिविलेज्ड हूँ मैं कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे एबीना एंटरटेनमेंट और नीतू मैम ने दी, क्योंकि फिल्म मेकर्स फिल्में करते बहुत पर बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ कम प्रोजेक्ट्स रहते होते हैं जिसको जीने का एक मौका मिलता है। आपने फिल्म के ट्रेलर में देखा होगा कि एक बायोपिक है, एक पॉलिटिकल बायोपिक है, हम इसको डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूड्रामा नहीं बोलते, हम तो डे वन से इसको पॉलिटिकल बायोपिक ही बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस भी वही रहा है हमारे फिल्म मेकिंग का, कैरेक्टराइजेशन से राइटिंग से लेके जो कॉन्सेप्ट नीतू मैम ने लाया इसको बनाना है। और जिस दिन से हमने काम शुरू किया वो दिन मुझे पता है और आज का दिन पता है, वो एक बड़ी जर्नी, एक ब्रिज है बड़ा, तो मैं बड़ा प्रिविलेज्ड हूँ। और ये सब्जेक्ट कैसे दिमाग में आया कि इसके ऊपर एक फिल्म बनाई जाए? मैंने काफ़ी रिसर्च कर रही थी कि मैं कुछ ऐसी फिल्म या ऐसा टॉपिक लूँ जो कोई प्रेरणादायक हो समाज के लिए। और जब मैं गढ़चिरौली नक्सलाइट एरिया में गई और मैंने बाबा के बारे में सुना, उनसे कनेक्ट हुई, उनकी स्टोरी सुनी और वहाँ पर सारी चीज़ें देख के मैंने डिसाइड किया कि उन्होंने जो स्ट्रगल पिताजी के साए के 14 साल में, उनके पिताजी का साया उठने के बाद भी वो स्ट्रगल किए, नक्सलाइट के किडनैप के बाद भी उन्होंने कमबैक किया, तो ये चीज़ मैं चाह रही थी कि लोग देखें और समझें। और जनरली नक्सलाइट एरिया, जंगल के एरिया में आदिवासियों को मैंने देखा कि वे बहुत सीधे हैं, उन्हें हमारी जैसी दुनिया की समझ नहीं है, बहुत डिसेंट है। तो मैं चाह रही थी कि वो जर्नी जो बाबा ने वहाँ से यहाँ तक कैबिनेट मिनिस्टर की ली है वो बहुत प्रेरणादायक है और लोगों तक पहुँचे। भूषण जी, आप बताएं कि आपकी पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर, तो कैसा लग रहा है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है? फिल्म पहली है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी पहली फिल्म एक बिग बॉम हो। और बड़ा फॉर्चुनेट हूँ मैं, प्रिविलेज्ड हूँ कि एबीना एंटरटेनमेंट और नीतू मैम ने ये अपॉर्चुनिटी और चांस दिया। मैम थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मुझे याद है कि डे वन जब नीतू मैम ने ये कहानी सुनाई कि ये कहानी पर फिल्म बनानी है, और ये आज का दिन
तो ये जो ब्रिज है ये बड़ा मज़ेदार रहा है मेरे लिए एज अ फिल्म मेकर, राइट फ्रॉम कास्टिंग टू जीतेश टू रिलीजिंग ऑफ ट्रेलर। तो और एक मेन बात है कि जिस जगह पर इवेंट है आज उसकी कहानी है कि बचपन में हम जिद करते थे घर वालों की कि एक बार मुंबई लेके जाओ, उनको ताज के पास फ़ोटो निकलवाना। तो और आज का दिन है कि वही ताज में हम ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा एक टचिंग मोमेंट है मेरे लिए। सो ऑल थैंक्स टू नीतू मैम एवी एंटरटेनमेंट। और रही बात फिल्म की, तो बाबा ऐसी शख्सियत है कि उनके ऊपर कोई भी फिल्म अच्छा ही बनाएगा नो डाउट, क्योंकि कहानी वैसी होती है उनकी ज़िंदगी की। पर जिस तरीके से जिस रिसर्च से हमने फिल्म बनाई है, एक बहुत हार्डवर्क है इसके पीछे हर टीम का, टेक्निकल ग्रुप का ले लीजिए, ऑन स्क्रीन ग्रुप का ले लीजिए, हर हर किसका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट फिल्म और बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ही। रितेश आप क्या कहेंगे, आपको इतना अच्छा पहले डायलॉग आपका सुना दीजिए, आपने भी डायलॉग सुनाया था। वही जो जल जंगल जमीन हमारा है और ये हमारा अधिकार है और हम ये लेके रहेंगे। आपको इस फिल्म में जब कास्ट किया गया, आपको बताया गया कि आपको इनका रोल करना है, तो उसके लिए कुछ आपने ट्रेनिंग ली, कुछ उसके लिए आपने रिसर्च किया शूटिंग पे, आपको क्या कि आपने पूरा मैनरिज्म मैच किया है उनसे उनके यंग एज का? एक्चुअली जब मुझे इसके बारे में पता चला कि एक मूवी बन रही है, मुझे पहला आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ है। इस वक्त मैंने बहुत सारे वेरियस कैरेक्टर किए हुए, लेकिन एक वो कैसे रहते इमेजिन करके एक कैरेक्टर ऐसा करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब सुना कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये किरदार है धर्मराव बाबा आक्रम का निभाना है, सो थोड़ा प्रेशर बना था सर में कि वो कैसे बोलते रहेंगे, कैसे चलते रहेंगे, ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिस करनी थी। तो शॉर्ट पीरियड में जो करना था वो इतना प्रेशर था कि ताकि जब धर्मराव बाबा आक्रम देखे तो उन्हें लगना होता है कि हाँ ये भी और ये किरदार मेरा ही, तो वो थोड़ा प्रेशर था। और हमारे डायरेक्टर सर जो है उन्होंने मेरे से जो काम करवाया है, मतलब जो उन्होंने कहा 17 दिन तक हम नक्सलवादी के एरिया में रहे, जंगल में रह चुके थे, एक दिन में इतना चलाया मुझे कि मुझे भी फील होने लगा कि हाँ यार मुझे भी कैद किया है, मैं भी उनके एरिया में हूँ। तो फील जो आया, मतलब एक दिन हमने करने के बाद इतना हो रहा है, तो उन्होंने क्या सहा होगा, ये सब चीज़ें आ रही थी। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड था आज के दिन के लिए, और दुख में और सुख में नींद नहीं आती, वैसे आज मुझे नींद नहीं आने वाली, मेरे लिए आज बहुत बढ़िया। नीति जी चलते चलते बस ये पूछना चाहूँगा कि लोगों को बहुत पसंद आया आपकी कोशिश और बहुत मतलब कमर्शियल फिल्म दिख रही है, तो आगे का क्या प्लान है, इसके बाद क्या नया कुछ आने वाला है, नीति जी क्या प्लान कर रही हैं? बिना एंटरटेनमेंट नाम भी बहुत खूबसूरत है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी कोशिश है कि मैं समाज के ऐसी चीज़ें निकाल के लाऊँ जो दुनिया को प्रेरणा दे, और ऐसे ही और टॉपिक ढूंढूंगी और उम्मीद है इसी तरीके के कुछ यूनिक टॉपिक्स लाऊंगी। चलते चलते अपार्ट फ्रॉम बीना एंटरटेनमेंट, हमने सुना आपके मियाम एनजीओ है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, अभी आप ही मियाम के जरिए एक बच्चे को सीआरपीएफ में जॉब मिली है, क्योंकि आप बुक्स डोनेट करती हैं अलग अलग संस्थाओं में, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मियाम मेरी संस्था इंसान और जानवर दोनों पे कर रही है, और मियाम का मतलब है भूख, एंड भूख सबको लगती है, वो इंसान हो या जानवर हो, और उसके द्वारा मैं बस अनप्रिविलेज चिल्ड्रंस और स्ट्रीट एनिमल्स पे काम कर रही हूँ, और एक टॉपिक ला रही हूँ जो संस्कार जो आज मिसिंग हो रहा है न्यू जनरेशन में। तो बस कोशिश है कि मियाम के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ लाऊँ जो बदलाव में मदद करे। ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू। एक्टिंग तो हम पिक्चर में भी किए और स्टेज पे भी हम एक्टिंग ही करते रहते, क्योंकि जब भी हमको भाषण देना है तो अपने भाषण के से ही लोगों को अपने को मन बदलना पड़ता है, वो भी एक कला है, और वो कला में हम थोड़ा बहुत करीब करीब 7 इलेक्शन हो गए तो थोड़ा कुछ सीख लिया हमने। नहीं, इनको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई से वहाँ तक आना 1400 किलोमीटर है जहाँ शूटिंग हुआ, और उनको काफ़ी परेशानी, यानी जो चीज़ यहाँ अवेलेबल होता है वहाँ पे नहीं मिलता है, हर चीज़ के लिए इधर उधर भागना पड़ता था, तो ये सब जो भी वहाँ पे उनको जो भी सोर्सेस थे वो सोर्सेस में उन्होंने बनाए कम से कम में,
और कम समय में मेरे ख्याल से कुछ 10-12 दिन में हमने ये पूरा शूटिंग हुआ है और आगे कुछ उस अच्छा ही दिखेगा। अभी पिक्चर ट्रेलर तो हो गया, पिक्चर तो भी बाकी है। नहीं अच्छा डायरेक्शन वगैरह क्या है, मेरे को शुरू शुरू में थोड़ा एक दो बार रीटेक हो गया, फिर उसके बाद फिर आदत हो गया ऐसा है। हाँ उन्होंने तो काफ़ी अच्छा रोल उन्होंने जो 91 को पहले का उम्र जो है उन्होंने उसमें थोड़ा कुछ मिलता जुलता है, पर ठीक है मैं जरा पहलवान हूँ जरा वो बारीक है तो वो हाइट भी जरा मिलता नहीं, पर फिर भी ठीक है वो अच्छा किया उन्होंने एक्टिंग और काफ़ी उनको हिम्मत से काम करना पड़ा क्योंकि कुछ गलत ना हो जावे क्योंकि पिक्चर है कि दिन लोग उसको कुछ गलत बोल सकते, तो अच्छा किया उसने हिम्मत किया और मेरा रोल करना उनको भी काफ़ी दिक्कत हुआ होगा और अच्छा है मैं देखा हूँ पूरा तो उसको पूरा अभी मेरे ख्याल से एडिटिंग होने के बाद पिक्चर हम कुछ एक डेढ़ महीने के बाद रिलीज करने का सोच रहे, देखते क्या होता। सिनेमैटिक लिबर्टी सर है ही नहीं क्योंकि उनकी ज़िंदगी फिल्मी है। अगर आप बचपन से लेके अभी तक की अगर कहानी देखोगे तो अगर आप उनसे भी अगर आप कहानी सुनोगे उनके शब्दों से तो आप बोलोगे कि ये सिनेमा ही है, इसमें कुछ लिबर्टी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एज अ फिल्म मेकर हम सोचते कि लिबर्टी ले पर कहानी ऐसी तो लिबर्टी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। नहीं नहीं ये देखिए ऐसा है वो भाग आदिवासी भाग है वो एरिया और हम चुन के आते हैं वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से हम चुन के आते हैं, पर वहाँ जो भी है वहाँ पे आदिवासी हो गैर आदिवासी हो ओबीसी हो एससी हो सब आदिवासी के जैसे रहते हैं, रहन सहन उनका वही है, उस हवा में वो मिले जुले हुए हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई ये नहीं कि आदिवासी, हम करते सबके लिए काम करते और सबके वोट से हम चुन के आते। बिल्कुल मतलब मैं ये बोलूँगी कि एक्चुअली एक घंटा बहुत कम है बाबा की लाइफ की स्टोरी को उतारने के लिए, उनके जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमने तो सिर्फ थोड़े इम्पोर्टेंट पहलू लिए हैं। डेटा जो अपने हैं बच्चों से एक मैसेज आया कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ ठीक है करते, जब बाद में पता चला जब मीटिंग हुई कि ये फिल्म जो है वो श्री धर्मराव बाबा आश्रम के इससे बायोपिक फिल्म है तो उनका किरदार निभाना है, तो प्रेशर जो मुझ पर बना था उनका किरदार निभाना है इतने बड़े आदमी का, तो वो प्रेशर था, लेकिन जब उन्हें देखा उनसे मिला वो कैसे चलते हैं कैसे बात करते हैं हाथ कैसे करते हैं सब देखना पड़ा अभ्यास करना पड़ा, उसके बाद में फिर मैं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश की मुझे पता नहीं है मैं कितना कर पाया हूँ,